घर के दिन तेरे हवाले। बात करते हैं बाबा, समन अगर घर पे नहीं थी तो मुझे कह देते, इतने दिनों बाद नवेरा घर पर आई है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम कॉल करोगे वो दौड़ी चली आएगी। भाई नवेरा ने खुद कॉल की है, उसे अटेंड नहीं किया उसने फोन, और कॉल बैक तक नहीं की। छोड़े ना बाबा अब इस बात को। मैं तो कुछ नहीं कह रहा, तुम्हारे भाई को तकलीफ हो रही है। मैं कॉल करता हूँ उसे। ठहरो फारिस, उसको कुछ मत कहना। नवेरा, मदिया आंटी के साथ लंच जरूरी नहीं था। हाँ तो मेरे साथ भी लंच को इतना जरूरी तो नहीं है। है, मेरे लिए है, बाबा के लिए तो उसके लिए भी होना चाहिए। एक तो पता नहीं हमारे घर के मर्दों में ये औरतों वाली रूह कहाँ से आ गई। हमेशा फालतू में उसकी हिमायत करती रहती हूँ। देखो फारिस, उसका कसूर नहीं है, अब मैं बिन बताए आई हूँ। अब उसका कोई प्लान बन गया तो क्या हुआ। बिल्कुल ठीक कह रही है नवेरा भाई, अब मुझसे सब्र नहीं होगा। बहुत दिनों के बाद बेटी के हाथ का खाना खाना है मैंने, समन का इंतजार नहीं कर सकता मैं। चलें ठीक है, फिर मैं खाना लगा देती हूँ, और तुम प्लीज अपना मूड ठीक कर लो, वरना मुझे लगेगा मेरी कुकिंग तुम्हें पसंद नहीं आई। खून जलाना छोड़ दो अपना, तुम्हें पता तो है जब भी समन मदिया की तरफ जाती है तो घर का होश नहीं रहता उसे।